झोटी, ट्रेडिशनल झोटी दिखाऊंगी, माँ ने जो झोटी लिखा है। और ये है गाय का पांव। भोग में जो कंपलसरी है जो सब्जी आज लगता है, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो साल भर बिल्कुल भी उसको खा नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं हूं नंदिनी, मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। आज है बुधवार, कल है मार्गशीर्ष महीने की थर्ड गुरुवार। तो यहाँ पर देखिए झोटी लिख रही हूँ मैं, आधा तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर देखिए ऐसे, और पूजा रूम में भी मैंने खुद दे दिया है। और अभी ये देखिए मेरी मम्मी आई हुई है तो उनको मैंने बोल दिया है, वो झोटी लिख रही है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर और अच्छे से लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का 5 बज रहा है, माँ और मैं रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ झोटी, ट्रेडिशनल झोटी दिखाऊंगी, माँ ने जो झोटी लिखा है। तो चलिए फिर आज है मार्गशीर्ष महीने का थर्ड गुरुवार और मम्मी घर पे आई हुई हैं, तो मम्मी ने घर की पूजा तो कर दिया है और अभी मैं करूंगी महालक्ष्मी माँ का पूजा। माँ महालक्ष्मी माँ का पूजा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेटी के घर आई हैं। तो अभी मैं आलता लगा रही हूँ, माँ का पूजा खत्म हो गया है तो अभी मैं जा रही हूँ महालक्ष्मी माँ का पूजा करने के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगी एक सब्जी है जिसको आज थर्ड गुरुवार में हम लोग भोग लगाते हैं, तो वो क्या चीज है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। यहाँ पर पहले से ही मैंने रेडी करके रख दिया है, ये है धान, आम का पत्ता, आंवला का पत्ता, टहनी और यहाँ पर फूल। ये है धान, कितना सुंदर से इसको गूंथा है, ये देखिए इस तरह से इतना सुंदर से बांध दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बहुत टाइप से मिलता है बाजार में, तो ये है धान, मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि कितना सुंदर लग रहा है ये धान। ये देखिए ये मम्मी ने झोटी डाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हर एक जो झोटी डाला है ना उसका एक मीनिंग है। ये है लोटस का फूल, कमल का फूल, और ये तो फूल है, ये तो लक्ष्मी माँ का पांव है, और ये देखिए ये शंख है, शंख, ये मंदिर जैसा बनाया है माँ ने। और दिखाती हूँ मैं आपको, और ये जो आप देख रहे हैं ये चंदन जो घिसते हैं ना, जिसको हम लोग चंदन पेड़ी बोलते हैं, ये चंदन पेड़ी है। और ये कलश को बिठाया है, और मंदिर है ये, शंख इधर भी मंदिर में, ये ऊपर ये देखिए इस तरह से माँ ने यहाँ पर झोटी डाला है। मैंने कल माँ को बोली थी बनाने के लिए। ये देखिए ये है मंदिर, और ये है काजल जो रखते हैं ना, कजौड़ा पाती बोलते हैं हम लोग, ये है। और ये है गाय का पांव जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं गाय का खुरा, तो ये है। ये सारे ट्रेडिशनल झोटी है जो कि मुझे तो नहीं आता है बिल्कुल भी। तो इस तरह से मम्मी ने बनाकर दिया है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ मेरी झोटी। पूजा तो माँ ने कर लिया था, तो अभी मैंने महालक्ष्मी माँ का पूजा भी कर लिया है और अभी चलिए चलते हैं भोग बनाएंगे। और भोग में जो कंपलसरी है जो सब्जी आज लगता है,
अगर उसको नहीं लगाएंगे तो साल भर बिल्कुल भी उसको खा नहीं पाएंगे हम लोग। तो चलिए उस सब्जी को पहले बनाना सीखते हैं। ये सबसे पहले मसाला को पीस लेते हैं क्योंकि आज करंट जाने वाला है 8 बजे से। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिया है, सरसों है और यहाँ पर जीरा डाल दिया है और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा जो ये ग्राइंडर है तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स करके रख दिया है ऊपर प्लग में भी, ताकि मुझे बार बार उसको निकालना ना पड़े, ऊपर नीचे करना ना पड़े। और ये हमारा सरसों का पेस्ट रेडी हो गया है। तो चलिए अभी बनाते हैं सब्जी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सब्जी बना दिया है। ये देखिए इसको हम लोग सिम्बो बोलते हैं, सेमी है शायद ये सब्जी का नाम। बैंगन, मटर और जो सरसों का पेस्ट बनाया था उसको डालकर इस तरह, और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर गैस के चूल्हे पर रख दिया है कुकर में, और एक सीटी होने पर ये बिल्कुल पक जाएगा अच्छे से। तो इसको चलिए फिर एक सीटी लगा लेते हैं। और ये जो है ये सब्जी आज थर्ड गुरुवार में हम लोग लगाते हैं, ये लगाना कंपलसरी है, नहीं तो ये सब्जी को हम बिल्कुल भी खा नहीं पाएंगे। और ये देखिए ये जो सेमी की सब्जी है जिसको हम लोग सिम्बो बोलते हैं, ये रेडी हो गया है। अभी अन्न भोग के साथ इसको प्रसाद लगाएंगे माँ लक्ष्मी माँ के पास। तो भोग का थाली मैंने रेडी कर दिया है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने भोग में क्या क्या बनाया है। और ये है अन्न, ये पूरी, ये साग, ये है सेमी की सब्जी जो कि आज कंपलसरी है बनाना, ये आलू परवल की सब्जी, और ये दाल है, ये मिक्स भेज कड़ी है, ये आमड़ा बोलते हैं वेजिटेबल कड़ी है, और ये है खीर, और ये है केले को मैंने इस तरह से थोड़ा सा तवा में फ्राई कर लिया है। तो ये है देखिए भोग का थाली। तो चलिए फिर भोग लगाते हैं। एक छोटा सा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मां बाय बाय करती हूं, बाय।